इसराइल जंग के बीच भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर बड़ा आतंकवादियों के हमले का खतरा है और ये खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने सभी आतंकी संगठनों को हमास के समर्थन में इसराइल समर्थक देशों पर हमले को कहा है। बेल्जियम में हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस के लड़ाके ने बेल्जियम की राजधानी में गठबंधन देश के नागरिकों के खिलाफ हमला किया। हमास और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के समय अब पूरी दुनिया पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमास इसराइल जंग के बीच भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर आतंकवादियों के हमले का खतरा बढ़ चुका है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने सभी आतंकी संगठनों को हमास के समर्थन में इसराइल समर्थक देशों पर हमले को कहा है। इसमें बेल्जियम में हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है और जो आईएसआईएस ने बेल्जियम में हमला किया है, आपको याद होगा इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि जो हमास है वो आईएसआईएस से भी ज्यादा खूंखार है। ऐसे में जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे हम लेबनन के हिजबुल्ला की बात करें, वो हमास का समर्थन कर रहा है और सब एक साथ हो गए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस वक्त आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ चुका है और वैसे भी इस युद्ध के बीच दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस के लड़ाके ने बेल्जियम की राजधानी में गठबंधन देश के नागरिकों के खिलाफ हमला किया है। हमास और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के समय अब पूरी दुनिया पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। मेरे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी, ये बहुत बड़ा खतरा है, अब सवाल ये उठता है कि इससे निपटा कैसे जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा ने जिस तरह का हमलों का फरमान जारी किया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो पश्चिमी देश समेत जिनमें भारत भी शामिल हो सकता है उन पर इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में किसी की वाइफ मारी जा रही है, किसी का बेटा मारा जा रहा है तो किसी का बाप मारा जा रहा है। और ऐसे में चूंकि अलकायदा ने खुले तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका और जर्मनी को तो खुले तौर पर इसे पत्र में धमकी दी है, तो ऐसे में जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, वो इस बात का पता लगाने में जुटी आएंगी कि ये आतंकवादी संगठन कहाँ कहाँ हमले कर सकता है, उनके निशाने पर कौन कौन हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों बेल्जियम में जो हमला हुआ उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन बिल्कुल, और इसमें हमने देखा था कि इसराइल में भी मोसाद को नाकामयाबी मिली थी। शुक्रिया ओपी तिवारी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।